आज आपको मिलवाते हैं दुबई के मशहूर टिकटॉकर वडे पायन ते छोटे पायन से। ये मशहूर कैसे हुए, इन दोनों भाइयों का पाकिस्तान के कौन से शहर से ताल्लुक है और ये अपनी वीडियोस में मोबाइल फोन क्यों फर्श पर फेंकते हैं? छोटे पायन और वडे पायन आज दे मेरे मेहमान ने और इनकी बहुत सी वीडियो वायरल होती है। एक जो मार्केटिंग स्टंट है जो बहुत ज्यादा वायरल होता है उसके पीछे क्या हकीकत है वो हमने जाननी है और हमने आज डायरेक्ट छापा मारा है इनके पास और कोई भी प्री प्लान नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। आप लोग मोबाइल फेंकते हैं, मोबाइल वाकई रियल मोबाइल होता है यार। इतनी वीडियोस मैंने देखी है, वो इतना महंगा महंगा मोबाइल फेंकते दिल रुकता नहीं है, होता क्या है? आदत होगी, वो टूटता क्यों नहीं है? ये तो एक मोबाइल फेंके ना, टूटते हैं बहुत कम। अच्छा, रेशियो टूटने की है, कितने परसेंट है? ये मेटल के थोड़ी है। 5% मतलब 100 में से 5 टूटे हैं, 100 में 5 100% टूटते हैं। टूटते हैं चलो, 95 नहीं टूटते। एक मेरे कहने पे फेंके हैं, अगर आप जो बोलेंगे ना वो फेंक देंगे यार। कुछ सबसे सबसे महंगा अभी तक मोबाइल आपका सबसे महंगा यही है? महंगा तो फिर ये आईफोन। नहीं नहीं नहीं, ये तो शायद आपने कोई ऊपर कुछ लगवाया हो। नहीं ऊपर आपके सामने। नहीं नहीं नहीं, कुछ वहां से उठवाए यार। ये एक मोबाइल भाई देना, ये वाला हाँ, ये वाला। ये कौन सा 13? ये कौन सा मोबाइल है? 12 प्रो मैक्स। चलो जो मिल गया उसके टाइम। 12 प्रो मैक्स ये मोबाइल है और अब हम फेंकते हैं और आप फेंके, मैं ही फेंकता हूं। और ये आप दिखाएं, स्क्रीन चल रही है? स्क्रीन चल रही है। इसका सीरियल नंबर भी दिखाते हैं वीडियो में। आप सीरियल नंबर देख लेना, वो आप चेक कर सकते हैं कहीं। अब एप्पल पे कहीं भी चेक करेंगे ये अभी चलेगी, ये अभी से कर पता चल जाएगा फोन क्या है। नाज़रीन, ये कोई एप्पल की मशहूरी नहीं है, ये हम वैसे ही इनका जो मार्केटिंग स्टंट है वो चेक। अच्छा जी, फेंके, ये किस तरह फेंके आप? जमजम का फोन है ये, जमजम क्या गया, एप्पल का नहीं, भी जमजम का हो गया। 1 2 3 एंड टूट गया। ये देखिए जी, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहा है। तो जब मोबाइल फेंकते हैं इतना हैवी मोबाइल तो दिल को कुछ नहीं होता, धड़कन नहीं? आपको हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पक्का? मोबाइल हमारा गिरा हो, आपको कैसे? नहीं, क्योंकि मेरे पास, मैं तो मैं तो आप अपना दिखा दे। नहीं सर, एक मिनट, दिखाए ना, कौन सा है? 12 प्रो मैक्स ही है। आप भी 12 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं यार? बिल्कुल। छोटे भाई इसको जरा यार, ये ना फेंकना भाई, कुछ नहीं होता यार, ये नहीं फेंकना। ओ एक मिनट यार, ये जमजम से नहीं लिया मैंने, महीना टूट गया लग रहा है भाई। ये टूटा तो आपका है, अगर टूटा तो आपकी खुशकिस्मती है, आपको नया मिलना था, लेकिन आप टूटा नहीं है। चले भाई जी, चलें जी, आप ये शुक्र है मेरा बच गया। मैं तो, मेरी तो सांसें और दिल की धड़कने बंद हो गई थी सर। इस तरह ना किया करे किसी का मोबाइल, आप ना फेंका करे, अपने ही फेंका करे। इसका मतलब है सिर्फ जमजम के मोबाइल जो है वो बिल्कुल नहीं टूटते, 5% ओरिजिनल होगा नहीं टूटता। अच्छा, ये आपको इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमें पता हमारे फोन ओरिजिनल है, अगर ये रिफर्बिश होगा तो ये टूट जाएगा कंफर्म। चले जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनसे मुलाकात अब हो गई है और जो छापा होता है वो भी हमने मार लिया है। अब हम इनकी जाती लाइफ के बारे में भी कुछ जानेंगे, क्योंकि ये जब टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। आप यहाँ पे इस टाइम जो है वो देख सकते हैं, तो कोई भी प्री प्लान नहीं है। यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ और ये रश आप देख सकते हैं इस दुकान का। ये आज रश नहीं है, रश होता तो आप फिर इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये इस रश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके चाहने वालों की तादाद कितनी है और जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि इन्होंने ये काम कब शुरू किया, पहली वीडियो कब डाली और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको कुछ दिखाते हैं, वो सवालात जो आप जानना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से कहां से तलक है आपका? पाकिस्तान वैसे गुजरात से, मतलब हमारे जो बड़े गुजरात में थे, अभी भी घर गुजरात में ही है। टिपिकल पंजाबी हो तुसी? प्योर पंजाबी, मतलब। और नाल परा दूसरा पंजाब भी है, चढ़दा पंजाब का लहंदा पंजाब। तो कब शुरू किया ये वीडियोस बनाना और कब आपको पता चला कि असी ते मशहूर हो गए हैं? वीडियो बनाना शुरू जब किया, 2 साल हो गए हैं। और उस टाइम भी हम थोड़े बहुत वायरल थे, उस टाइम मैं अकेला बनाता था। अच्छा, एक लिमिटेड फॉलोअर थे, 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर थे मेरे, और थोड़ी बहुत फेम थी, लेकिन मैं उस टाइम भी अपने आप को स्टार समझता था। लेकिन मुझे अब पता चला
ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ लेकिन इसने जो प्रॉपर वीडियो बनानी शुरू किया ना इसको आपने खींचा है। हाँ ये वीडियो नहीं था बनाता इसको बड़ा मस्त है बड़ी मुश्किल वीडियो ये हेयर स्टाइल सेम पहले नहीं था रखता ना तो मजा नहीं था इसके इसने पैंट शर्ट पहनी होती थी और ऐसे मतलब पफ मारा होता था स्टाइल मतलब ऐसे ही बालों का तो भी सारा कुछ इसका सेम करवाया फिर छह महीने से प्रॉपर मेरे साथ है जब ये प्रॉपर मेरे साथ है फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही वायरल फिर जोड़ी सही वायरल हुई लेकिन बहुत सा कहा जाता है एक पाकिस्तानी निजात एक जोड़ा है जो अमेरिकन बेस है अमेरिका में रहते हैं वो भी एक छोटा पाइन और बड़े पाइन दो उनकी वीडियोस भी बड़ी वायरल होती हैं उनको देख के आपने ये शुरू किया या खुद से ही आइडिया आ गया मोबाइल की शिपमेंट आई थी तो भाई ना हम वीडियो लगा रहे थे मोबाइल तो भाई ने ऐसे वीडियो बना रहे भाई और भाई कहते हैं छोटे पाइन मैंने कहा जी बड़े पाइन मैं उसी टाइम एकदम आइडिया आ गया ऐसे बोला छोटे पाइन जी बड़े पाइन मैं उसी टाइम ऐसे हंस पड़ा मतलब मैंने कहा भाई कैंसिल करो वीडियो कैंसिल करो ऐसे वीडियो मैंने देर में कि यार ये भी सही है टिकटॉकर्स हैं जो अपनी फेम के लिए कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हैं या आप कह लें कि वो किसी म्यूजिक पे डांस या कुछ भी एक्ट कर रहे हैं लेकिन आपकी जो वीडियोस थी शुरू में और अभी तक वही कॉन्सेप्ट है आप अपने बिजनेस को ही प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं तो एक्ट करने का भी सोच रहे हैं वो तो एक्ट वो करते हैं कि जिनको मतलब एक्टिंग करने से पैसे मिलते हैं हमें तो मतलब हमारा बिजनेस है हमने बिजनेस प्रमोट करना है तो बिजनेस प्रमोट होगा हम बहुत बहुत प्रमोट होंगे इसलिए हम वो बिजनेस ही प्रमोट कर रहे हैं तो बिजनेस हम जिधर हमें एक ये बहुत खुशी है हम जिधर जाते हैं हमें कहते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आए यार और आगे क्या प्लान्स है आप अपने बिजनेस को ही प्रमोट करना है मीडिया में भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है कि इसमें भी पैसे काफी कमाए जा सकते हैं लेकिन ज्यादा हम बिजनेस को ही प्रमोट करेंगे कितने भाई हैं आप और कितनी एक दूसरे का सपोर्ट है कैसे मिलकर काम करते हैं चार भाई हैं दो हमारे बड़े भाई हैं जो कि समझेंगे मेन हेड हैं ज्यादातर समझेंगे ज्यादा कैमरे के पीछे ज्यादा काम वही कर रहे हैं और नजर चेहरा सामने आप आ रहे हो क्योंकि ये बंदा ऐसे नहीं मतलब बिजनेस भी चलाए और साथ में टिकटॉक भी बनाए और वायरल भी हो जाए ये एक बंदा नहीं कर सकता बिल्कुल टीम पूरी एक पूरी टीम हो ना फिर ये काम कर सकते तो भाई सब मिलके काम करते हैं बिजनेस वो हैंडल कर रहे हैं हम लोग बस शॉप में बैठ के कस्टमर से गपशप मारते हैं वीडियो बनाते हैं यही है बाकी हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है स्टॉक आ रहा है नहीं आ रहा हम तो लोगों को मिलने के लिए उधर खड़े होते हैं जो आता है उसके साथ वीडियो फेस वैल्यू आपकी ही कैश हो रही होती है क्योंकि फेस वैल्यू अब आपकी है लोग आपको ही देख के वहां पे आते हैं नहीं कुछ लोगों को पता है कि वो ऑनर है दमदम के लोग उनको कहते हैं कि आप आओ उनको प्रायोरिटी देते हैं लेकिन भाई कहते हैं नहीं छोटे भाई को कहते हैं आप आगे जाओ आप इनको प्रायोरिटी दें आप मुझे नहीं दें तो पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में भी लोग सेल्फियां लेते हैं लोग जानते हैं अभी तक नहीं गए अभी थोड़े दिन पहले इसकी शादी किसी ने फारियो पे चढ़ा दी थी टिकटॉक में उसने शादी हुई थी रियल में इसकी शादी हुई थी डेढ़ साल हो गए और एक हफ्ता पहले किसी ने वीडियो लगाई है और पाकिस्तान में उस टाइम आप इससे पूछे कह रहे छोटे भाई की शादी हो रही है मेरी बेटी पाकिस्तान में गई दो दिन पहले वो स्कूल गई है कहती पापा मुझे ना उधर बड़ा मसला मैंने क्या वो सारे बच्चे मुझे कहते हैं छोटे भाई बड़े भाई मतलब बच्चे हमारी वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं यूट्यूब है बच्चे क्यों देखते हैं बस बच्चों से प्यार करते हैं ना बच्चे आते हैं उनको गिफ्ट देते हैं उनको गिफ्टिंग करते हैं तो YouTube में हमारे इस महीने के 600 मिलियन व्यूज हैं और उसमें ज्यादातर बच्चों के हैं ऐसे पाकिस्तानी प्राउड फील होता है जब दुबई में 200 से ज्यादा नेशनलिटी में आपका नाम आता है मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि यूएई में हम टॉप पे हैं मतलब जिधर भी जाते हैं लोग हम पे सेल्फी लेते हैं वीडियो बनाते हैं यूएई तो भी हमारा दूसरा घर है और पाकिस्तानी है और आपकी जो ड्रेसिंग है वो अमाराती है अमारात का नेशनल ड्रेस आप पहनते हैं हर वीडियो में सब जगह ये कैसे ख्याल आया शुरू से ही है या शुरू से नहीं ये तो वीडियो से पहले पहनते ये तो वीडियो में नहीं है ये तो मतलब बचपन से यही अच्छा उससे पहले भी आप यही है ये भाई आए थे 2011 में आए थे ये दुबई में 2012 में ये सीधा आगे बिजनेस अपनी हेड चेयर में बैठे थे जो बिजनेस की मतलब हमारी शॉप मतलब पहले भाइयों का बिजनेस था ना तो डायरेक्ट बिजनेस भी आया मतलब मेहनत बड़े इसलिए दूरा पहनते थे मतलब कहीं जॉब नहीं करते अपना बिजनेस शुरू से ये शूज ये भी पैंट। आप जैसे पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं ना तो मुझे ऐसे हो रहा है यार ये क्या इतना टाइट ये वो पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस भी पहनते हैं पहनते ईद वगैरह भी करते हैं लेकिन यही अब अपना लिया है जैसा देश वैसा बेस पाकिस्तान जाएंगे फिर सलवार कमीज पाकिस्तान में सलवार कमीज पहनते चले जी बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर और अब्दुल गफूर के साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई और बड़ा अच्छा लगा आप सबका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप भी इनको देखते रहे और इसी तरह आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट
लेकर आते रहेंगे अगले मेहमान तक। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।